आज का हमारा टॉपिक है और सॉल्व प्रोसेस के 5 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप आपको कल पढ़ा दिया था, आज बाकी के 4 स्टेप्स पढ़ाएंगे। सो बोर्ड के ऊपर आप लोग तवज्जो कीजिए। तो दूसरा स्टेप हम आपको पढ़ाएंगे आज, टॉपिक का नाम है सॉल्विंग प्रोसेस। और मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश और द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश। दूसरा स्टेप हम आपको पढ़ा रहे थे, डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस पढ़ा रहे थे। पहला स्टेप कल पढ़ा दिया था और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं दूसरा स्टेप, इसका नाम है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ग्राइन इन कार्बोनेशन टावर। कार्बोनेशन टावर, तो सबसे पहले कार्बोनेशन का मतलब समझ ले। कार्बोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सैचुरेशन विथ CO2। बच्चों पहले स्टेप में अमोनिकल ब्राइन हासिल हुआ था, अब उस अमोनिकल ब्राइन को हम मिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये सारा अमल जिस टावर में होगा उसका नाम है कार्बोनेशन टावर या सॉल्वेंट टावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टावर है। कार्बोनेशन के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम लाइम स्टोन से बनाएंगे। इस तरीके से वो हम आपको बताते हैं, पहले ये कॉपी कीजिए। कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है प्रोडक्शन ऑफ CO2 और दूसरा स्टेप है कार्बोनेशन। पहले स्टेप का नाम है प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन को इसका फार्मूला है CaCO3, हम एक भट्टी में लेकर गर्म करेंगे, उस भट्टी को कहते हैं लाइम किल्न। भट्टी में हम कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे, जिसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेशन में यूज होगी और कैल्शियम ऑक्साइड को अमोनिया रिकवरी में यूज करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड क्विक लाइम, तो चूना भी कहते हैं उर्दू में। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बोनेशन। देन फिर हम स्टेप 2 करेंगे। पहले आप ही कॉपी कर लें। और
अब इसका बी स्टेप आएगा कार्बोनेशन का, और उस बी स्टेप का नाम है सैचुरेशन ऑफ अमोनिकल ग्राइन CO2। तो ये सारा काम जिस टावर में करते हैं उस टावर का नाम है सॉल्वे टावर। बच्चों सॉल्वे टावर में ऊपर से ब्राइन एंटर होगी और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। इस प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। बच्चों ऊपर से लिक्विड एंटर होगा और नीचे से गैस एंटर होगी। तो बच्चों जब गैस नीचे से जाएगी और ऊपर से लिक्विड जाएगा तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग हो जाएगी दोनों की। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। तो सॉल्वेंट टावर में काउंटर करंट प्रोसेस के जरिए अमोनिकल ब्राइन को CO2 के साथ मिक्सअप करेंगे और इस मिक्सिंग के नतीजे में कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे सॉल्वे टावर में, जिसके नतीजे में बिलाखिर लेस सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा। क्या रिएक्शन होंगे वो हम आपको दोबारा से दिखाते हैं। ये आप कॉपी कर ले पहले जल्दी से। तो अब मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं स्टेप टू के। बच्चों इस स्टेप में अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और अमोनियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन बनाएगी। तो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे इस तरह अमोनियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल फॉर्म में बनेगा। सेकंड स्टेप में अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन के साथ यानी नमक के आयंस के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा और बना लेगा लेस सॉल्युबल सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि अमोनियम क्लोराइड सॉल्युबल फॉर्म में हासिल होगा। ये सोडियम बाइकार्बोनेट वाइट प्रिसिपिटेट की शक्ल में हासिल होगा। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम यहां पर ये आ रहा है कि सॉल्वेंट टावर में जो ये रिएक्शंस हो रहे हैं उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो एक्सोथर्मिक है। ओवरऑल इफेक्ट जो है वो एक्सोथर्मिक है, जिसके नतीजे में सॉल्वेंट टावर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसके नतीजे में सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रिसिपिटेशन रुक जाएगी। इसलिए हमें सॉल्वेंट टावर को कूल करना पड़ेगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट मुकम्मल तौर पर प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा और अमोनियम क्लोराइड में डिसॉल्व नहीं होगा। सो सॉल्वेंट टावर को हमें लाजमी तौर पर कूल डाउन करना है। क्यों कूल डाउन करना है? टू encounter the dissolution of sodium bicarbonate, यानी sodium bicarbonate की dissolution को रोकना है।
तो हम इस टावर को ठंडा करेंगे ताकि ये प्रीसिपिटेट मुकम्मल तौर पर फॉर्म हो जाए, जो कि कोल्ड कंडीशन में मुकम्मल तौर पर फॉर्म हो जाएंगे क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट कोल्ड वाटर में लेस सॉल्युबल है। ये है जनाब सेकंड स्टेप। अब हमें क्या करना है, इन प्रीसिपिटेट को और इस सोडियम अमोनियम क्लोराइड को, इन दोनों को अलहदा करना है और ये हम अलहदा करेंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू थर्ड स्टेप में। इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। सॉल्वे टावर का, सॉल्वे प्रोसेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप के ऊपर पूरा प्रोसेस डिपेंड करता है क्योंकि इस स्टेप के ऊपर वैल्यूएबल इंटरमीडिएट बेकिंग सोडा भी हासिल हो रहा है। बेकिंग सोडा के प्रिसिपिटेट मुकम्मल तौर पर हासिल करने के लिए हमें सॉल्वेंट टावर में जो हीट पैदा हो गई है उस हीट के इफेक्ट को काउंटर करना होगा, और उस काउंटर करने के लिए हम सॉल्वेंट टावर को ठंडा करेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करेंगे ताकि सोडा बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए और वो मुकम्मल तौर पर प्रिसिपिटेट बना ले। इज इट क्लियर? जल्दी से कॉपी कर ले तो बताएं मुझे, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बेटा सॉल्वेंट आवर में दोबारा से सुन ले, सॉल्वेंट आवर में अमोनिकल ब्राइन मिक्सअप होगी ब्राइन के साथ, वो कर दिया अमोनिया और CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाएगी। अमोनियम आयन अलग होगा, बाइकार्बोनेट आयन अलग होगा क्योंकि ये सॉल्युबल है, एक्वस है। सेकेंड स्टेप में ये अमोनियम बाइकार्बोनेट नमक यानी ब्राइन के आयन्स के साथ रिएक्शन करेगा। इस तरीके से अमोनियम आयन क्लोराइड आयन के साथ मिल जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन गया, ये सॉल्युबल हो गया। यहाँ बचा सोडियम, यहाँ बचा बाइकार्बोनेट। ये जो सोडा बाइकार्बोनेट है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये लेस सॉल्युबल होता है। क्योंकि ये लेस सॉल्युबल होता है तो ये प्रिसिपिटेट बना लेगा, और अगर हम ठंडा कर देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर प्रिसिपिटेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। Is it clear? तो आप थर्ड स्टेप की हेडिंग लगाएं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन स्टेप 3। बच्चों थर्ड स्टेप की हेडिंग है, थर्ड स्टेप का नाम है फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन किस तरह से होगी देखिए, देखिए हमारे पास सेकेंड स्टेप में बचा हुआ है सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक्वस है, हम क्या करेंगे इस इनकी फिल्ट्रेशन करेंगे, यानी इन दोनों को फिल्टर पेपर से पास करेंगे। फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और सोडा बाइकार्बोनेट अलग हो जाएगा। फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड फिल्टर पेपर के नीचे से गुजर जाएगा। बच्चों जो चीज फिल्टर पेपर से गुजर नहीं पाती उसे कहते हैं रेसिड्यू। तो सोडियम बाइकार्बोनेट रेसिड्यू के तौर पर फिल्टर पेपर पर बच जाएगा, जबकि अमोनियम क्लोराइड फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा और एज ए फिल्ट्रेट हासिल होगा। इस अमोनियम क्लोराइड को हम भेज देंगे एक टावर में
जिसका नाम है अमोनिया रिकवरी टावर, जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को कैल्सिनेशन के लिए भट्टी में ले जाएंगे। इस तरह ये दोनों अलग हो जाएंगे फिल्ट्रेशन के थ्रू। इज इट क्लियर टू यू? सोडा बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन फिल्टर पेपर से पास किया जाएगा। फिल्टर पेपर पर रेसिड्यू अमोनियम सोडियम कार्बोनेट बच जाएगा, जिसको हम वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे और फिर अगले स्टेप के लिए हम इसको एक किल्न में या एक भट्टी में लेके जाएंगे। उस भट्टी का नाम है सोडा किल्न। यहां पर हम इसको गर्म करेंगे, जबकि अमोनियम क्लोराइड को हम अमोनिया रिकवरी टावर में ले जाएंगे। अमोनिया रिकवरी टावर, जहां पर इससे अमोनिया को रीजनरेट करेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड को फेंकेंगे नहीं, बल्कि इससे हम अमोनिया रीजनरेट करेंगे। इज इट क्लियर? कॉपी कर लो। तीन स्टेप हो गए स्टूडेंट्स, दो स्टेप बाकी है नाउ। स्टेप शुरू करें स्टूडेंट, आपने कॉपी कर लिया? सब लोगों ने कॉपी कर लिया? तो अब चौथा स्टेप शुरू करते हैं जी। चौथे स्टेप का नाम है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सबसे पहले वॉश करेंगे, फिर इसको ड्राई करेंगे और फिर इसके बाद इसको एक भट्टी में गर्म करेंगे। भट्टी में हम इसको गर्म करेंगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। भट्टी को बच्चों फर्नेस कहते हैं और किल्न भी कहते हैं। जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो तीन चीजें बनेंगी, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। बैलेंस करने के लिए सोडियम दो है, यहाँ पर दो लगा दें और इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरह बच्चों सोडा एश बन गया जो हम बनाने जा रहे थे। सोडा एश से वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हम रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाएंगे। सोडियम कार्बोनेट का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाएंगे और फिर इसको गर्म करेंगे, और गर्म करके जब ठंडा करेंगे तो रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। और वाटर मॉलिक्यूल सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के अंदर अटैच हो जाएंगे और फॉर्म हो जाएगा वॉशिंग सोडा। मैंने कल भी बताया था कि केमिकल चेंज नहीं है, फिजिकल चेंज है, जिसका इक्वेशन नहीं होती। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताई है। इस तरह बच्चों वॉशिंग सोडा बन गया। अब सिर्फ एक स्टेप रह गया है, अमोनिया रिकवरी, जो अभी हम आपको पढ़ाते हैं। पहले ये कॉपी कर लें।
पांचवा स्टेप शुरू करते हैं जी। कॉपी हो गया जी? कॉपी हो गया तो जल्दी से बता दें, मैं मिटा रहा हूं। लास्ट स्टेप अमोनिया रिकवरी और अमोनिया रीजनरेशन, अमोनिया रिकवरी और अमोनिया रीजनरेशन स्टेप नंबर 5। अमोनिया रिकवरी इन अमोनिया रिकवरी टावर। इस टावर में अमोनिया को हम खुद से बनाएंगे। बच्चों याद कीजिए, सेकंड स्टेप में कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बचा था। हम सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालेंगे, पानी के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, विच इज कॉल्ड स्लेक लाइम। ये स्टेप 2 में बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड बचा था, हम डायरेक्ट इससे भी रिएक्शन कर सकते थे। अब हमने करना ये है कि स्टेप 2 में जो अमोनियम क्लोराइड बचा था वो अमोनिया रिकवरी टावर में उसका रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड से करेंगे या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करेंगे। दोनों सूरतों में अमोनिया बनेगी, दोनों सूरतों में अमोनिया बनेगी। इन दोनों को लेकर हमने अमोनिया रिकवरी टावर में गर्म करना है। तीन चीजें बनेंगी, सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। इसी तरह नीचे भी बनेगा सॉल्ट, वाटर और अमोनिया गैस। बच्चों बैलेंस करते हैं, क्लोरीन 2 है यहाँ पे 2 लगा दें, नाइट्रोजन 2 हो गई यहाँ पे 2 लगा दें और इक्वेशन बैलेंस। यहाँ पे क्लोरीन 2 है यहाँ 2 लगा दें, नाइट्रोजन 2 हो गई यहाँ पे 2 लगा दें, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे 2 लगा दें। बच्चों कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेंड एज ए बाय प्रोडक्ट एंड अमोनिया इज रिसाइकल्ड, अमोनिया इज रीजनरेटेड टू यूज इन द फर्स्ट स्टेप। इस तरह अमोनिया हमें बार बार बनाना नहीं पड़ेगी, एक दफा हम बस अमोनिया खरीदेंगे, अगली दफा अमोनिया हम खुद बना लेंगे इस टावर में जिसका नाम है अमोनिया रिकवरी टावर। तो ये था जनाब सॉल्वे प्रोसेस का पांचवा स्टेप। ये इजाफी स्टेप है जिसमें हमने अमोनिया को रीजनरेट किया है। जल्दी से कॉपी करें, अभी हमें इसकी फ्लोशीट डायग्राम बनानी है। अमोनिया की रिकवरी के 2 तरीके हैं, या तो अमोनियम क्लोराइड को डायरेक्ट कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करा दें या फिर अमोनियम क्लोराइड को स्लेक लाइम से रिएक्ट कराएं। स्लेक लाइम बनाने के लिए क्विक लाइम में हमें पानी डालना पड़ेगा। जनाब अब हम इसको बिठा रहे हैं और अब हम आपको लास्ट हेडिंग लगवा रहे हैं, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। और ये डायग्राम में पूरा सॉल्वे प्रोसेस हम आपको समराइज करके बताएंगे। तो सॉल्वे प्रोसेस को समझने का एक और बहुत ही आसान तरीका आपको बोर्ड पे बता रहे हैं। डायग्राम का नाम है फ्लो शीट डायग्राम।
हेडिंग लगा ले इसकी फ्लो शीट डायग्राम, और अब ये मैं बनाऊंगा बोर्ड पर, आप मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता इसको बनाइएगा। फ्लो शीट डायग्राम मेडिकल ग्राइन हम ऊपर से एंटर करेंगे, यानी NaCl प्लस अमोनिया का सल्यूशन हम एक टावर में ऊपर से एंटर करेंगे। उस टावर का नाम है, उस टावर का नाम है सॉल्वे टावर। ये सॉल्वे टावर है, टावर का नाम क्या है? सॉल्वे टावर, कार्बोनेशन टावर। ये एक आउटलेट है, इससे जो गैसेस बनेंगी वो बाहर निकलेंगी, जिनको कहते हैं वेस्ट गैसेस। और यहां से ये एक इनलेट है, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी अंदर, CO2 एंटर होगी अंदर, ऊपर की तरफ जाएगी और ग्राइन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। इस तरीके से अमोनिकल ग्राइन अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा CO2 के साथ। इसको कहते हैं काउंटर करंट प्रोसेस। क्या कहते हैं? काउंटर करंट प्रोसेस, यानी लिक्विड ऊपर से आ रहे, गैस नीचे से जा रही, CO2 यहां से एंटर होगी, कैसे वो अभी हम बताते हैं आपको। इन तमाम रिएक्शन के नतीजे में, अमोनिकल ग्राइन और CO2 के रिएक्शन के नतीजे में दो चीजें बनेंगी, कौन कौन सी? जिनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए लैदा करेंगे, कौन कौन सी दो चीजें बनेंगी? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये दो चीजें बनेंगी यहां से, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को हम लैदा लैदा कर लेंगे फिल्ट्रेशन के जरिए। इन दोनों को लैदा कर लेंगे फिल्ट्रेशन के जरिए, जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये दोनों लैदा हो जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट लैदा हो गया और अमोनियम क्लोराइड अलैदा हो गया। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे, जब हम गर्म करेंगे तो CO2 बनेगी और सोडा ऐश बनेगा, और फिर सोडा ऐश से बन जाएगा वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इस तरह ये हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, सोडा ऐश और वॉशिंग सोडा। ये रिक्रिस्टलाइजेशन हो रही है, R का मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन। ये CO2 यहां पर रिसाइकल होगी, लेकिन CO2 पहली दफा कैसे बनेगी? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बनेगी। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो CO2 बनेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, जिसका रिएक्शन हम पानी से करेंगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
आपको नजर आ रहा होगा। अब ये अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे तो दो चीजें बनेंगी। एक चीज बनेगी कैल्शियम क्लोराइड विच इज द बाय प्रोडक्ट, और दूसरी चीज बनेगी अमोनिया। और ये अमोनिया जो है वो यहां पर एंटर हो जाएगी इधर अमोनिकल ब्राइन से पहले। इस तरह पूरा प्रोसेस इसे डायग्राम में समराइज हो गया। इसको कहते हैं फ्लो शीट डायग्राम। देखिए आप, मैंने ऊपर दिखा दिया आपको, और अब आप नीचे की तरफ देखिए। और ये एंड प्रोडक्ट्स, ये डायग्राम मैं आपको शेयर कराता हूं। देखिए ये मैंने आपके साथ शेयर कराई है आपको डायग्राम, ये सारी जो मैंने बोर्ड पे बनाई थी वो मैंने आपके सामने शेयर करी है। आपको देखिए पूरी वही डायग्राम, मैंने बड़ी करी आपको। ये ऊपर का हिस्सा देखिए, ये सॉल्वेंट टावर है, कार्बोनेटिंग टावर, और यहां ऊपर से अमोनिकल ब्राइन एंटर हो रही है, यहां से CO2 एंटर हो रही है, और ये काउंटर करंट प्रोसेस हो रहा है जिसके नतीजे में अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बने, जिनको हमने वैक्यूम फिल्टर करा, और फिल्ट्रेशन के बाद दोनों अलग हो गए। सोडा बाइकार्बोनेट को हमने गर्म किया, CO2 बनी जो हमने रिसाइकल कर दी, सोडा एश बना, उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन कर दी तो वॉशिंग सोडा बन गया। CO2 पहली दफा कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से बनी थी जो नीचे नजर आ रही है। कैल्शियम कार्बोनेट लाइम किल में गर्म की जाती है जिसके नतीजे में क्विक लाइम भी बनता है। क्विक लाइम में हमने पानी डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के रिएक्शन से कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया रिकवर हो गई। ये कंप्लीट डायग्राम है जनाब। और इसको आप देख ले अच्छी तरीके से। ये कंप्लीट सॉल्वेंट प्रोसेस की फ्लो शीट डायग्राम है, आप इसको अपने पास सेव कर लें। जनाब ये था सॉल्वे प्रोसेस जो कंप्लीट हो गया। अब आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर लें जल्दी से। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।
सॉल्व प्रोसेस, ये फ्लो शीट डायग्राम जिसमें पूरा सॉल्व प्रोसेस हमने बंद कर दिया है, और आप देखेंगे इस प्रोसेस में कोई भी चीज वेस्ट नहीं हो रही, कोई भी चीज जाया नहीं हो रही, कोई हार्मफुल गैस नहीं बन रही, कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, सारे रॉ मटेरियल्स जो है वो यूज्ड अप हो रहे हैं और फिर बाद में रीजनरेट हो रहे हैं, यानी रिसाइकल हो रही है हर चीज। ऐसे प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस, सेल्फ कंटेन्ड प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज जाया नहीं होती, हर चीज रिसाइकल हो जाती है। नहीं बेटा, इनऑर्गेनिक सेक्शन में न्यूमेरिकल्स नहीं है, थ्योरी है खाली। ओके स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन पूछता है तो बेटा आप आज कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप पूछ लीजिए जल्दी से। आस्क एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर यहीं पर क्लास वाइंड अप करते हैं, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।